Please turn off your microphone. अच्छा तो इस क्लास में हम थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे कि why there was the political instability in Pakistan, what were the different factors, different event which led towards the first martial law in the country. ठीक है जी. तो first of all we'll talk about the early problems of Pakistan. What were the early problems faced by Pakistan? Initial problems of Pakistan. When Pakistan came into being. You are now unmuted. सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर. You are now unmuted. वहाँ पे अबा इसको कहता है कि अब एक सामने सर आवाज नहीं आ रही आपकी. टेंशन में के सामने काफी पानी आया था. कैरी डब्बे वाला बड़ा स्लो. You are now muted. Political parties in this subcontinent. इनका बड़ा वो अंदर करके सर कहाँ गए यार भाग गए. You are now unmuted. फिर वही मसला आ रहा है आवाज कट रही है इसका. You are now muted. यार सर को कोई एक बोलेगा ना तो सर को समझ आएगी. सर ने कि किस कर रहे हैं ना सर को बोल रहे हैं कि सर को बोलेंगे तो इसका कौन सर किस तरह समझ आएगी. फिर सर की आवाज मिक्स आ रही है और सर सुन रहे होंगे भाग गया है तो फिर You are now unmuted. हाँ जी बिल्कुल हमें पता है इंटरनेट का इशू होता है बिल्कुल. You are now unmuted. Hi, kya kar rahe ho? You are now muted. You are now unmuted. Kya baat hai? Bar order post graduate kar rahi. Main kya jaane lagi usse sab pad rahe hain. Ye pad rahe hain. You are now muted. You are already muted. Yes, sir. I'm already muted. अच्छा चलो. सर जी एंटर. चलिए आप अपने माइक को ऑफ करें. You are now muted. अच्छा चलें जी. Let us start our lecture. अच्छा मैं आपको बात बता रहा था कि we will discuss first initial problem of Pakistan and then in the second part of the lecture. We will discuss about the political instability in Pakistan. ठीक है जी. तो initial problems के हवाले से अगर आप देखें तो मैंने आपको बता रहा था कि there were two major political parties in India. One was Indian National Congress, who wanted to keep the India united, and they wanted that India must not be divided. On the other hand, there was another political party, All India Muslim League. Which came into being in 1906 and which first for the first time demanded the
partition of India in 1940. In fact, 23rd of March 1940, it was demanded that India must be divided. आवाज आ रही है मेरी अब तक? You are now unmuted. बस फिर ये सर आवाज आ रही है जी, सही हो गया जी। अच्छा, अब ये हुआ कि जी ये दोनों पार्टीज थी, इनमें से मुस्लिम लीग जो है इसने फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड दैट इंडिया मस्ट बी यूनाइटेड इन 19 इंडिया मस्ट बी डिवाइडेड इन 1940। करारदादे लाहौर जिसे आप कहते हैं, वहां पे इन्होंने डिमांड किया जी कि हिंदुस्तान को तकसीम कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक मुल्क नहीं है, न ही कभी एक मुल्क रहा है। यहाँ पे मुख्तलिफ अकवाम बस्ती हैं, मुख्तलिफ जबानें बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ मजहब के लोग बसते हैं, और मुसलमान खसूसन एक जो है ना वो एक अलग कौम है तमाम लोगों से। लिहाजा वो एरिए कि जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, उन एरियाज को मिला के एक अलहदा वतन बना दिया जाए। ये करारदाद लाहौर में कहा गया, अगरचे करारदाद लाहौर में वतन के बजाय एक वतन के बजाय लफ स्टेट के बजाय स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें एक अलग वतन चाहिए, और वो वतन उन जगहों पे होना चाहिए कि जहां पे मुसलमान अक्सरियत में है। अच्छा, अब जो कांग्रेस थी वो पार्टीशन नहीं चाहती थी, वो कहते थे जी कि नहीं, हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमान जो हैं वो भी जो है ना वो हमारे साथ हैं, और हिंदुस्तान में तमाम रहने वाले लोग एक कौम है, मुसलमान कोई अलग कौम नहीं है। और कांग्रेस के जो आप नाम देखते हैं कि कांग्रेस ने उस दौर में अपना जो सदर है वो भी एक मुसलमान को नॉमिनेट किया हुआ था, और उनका नाम था, इज नेम वाज अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ही रिमेन्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1939 टू 1946, इनफैक्ट द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो कांग्रेस वाले ये कहते थे जी कि मुसलमान तो हमारे साथ भी हैं, हमारी पार्टी में हैं, ये चंद लोग मुस्लिम लीग वाले हैं जो ये डिमांड कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो है उसने आखिर दम तक क्याम पाकिस्तान की मुखालफत की, हिंदुस्तान की तकसीम की मुखालफत की, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से क्याम पाकिस्तान मुमकिन हुआ। इसमें बिलाशुबा कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत शामिल है, इंडियन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की कुर्बानियाँ, लाजवाब कुर्बानियाँ, इनकी कोशिश ये शामिल है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार में बरतानिया की पोजीशन का कमज़ोर होना, अमेरिका का प्रेशर, अमेरिका खुद चाहता था कि जितनी भी ये ममालिक हैं जहाँ पे बरतानिया ने कब्जा किया हुआ है दे मस्ट बी फ्री, दैट वाज द सिचुएशन। तो 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान के वजूद को कांग्रेस ने चारों नाचार तस्लीम किया, क्योंकि कांग्रेस, मैंने आपको बताया कि वो तकसीम की मुखालिफ थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान तकसीम हो, लेकिन हालात ऐसे थे कि उनके कंट्रोल में भी ये बात नहीं थी, और पार्टीशन को रोकना कांग्रेस की बस की बात नहीं थी, पाकिस्तान का बनना कांग्रेस के बस की बात नहीं थी। अच्छा, अब जब तकसीम हो गई तो सबसे बड़ा जो मसला पेश आया पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो इब्तदाई मसाइल में वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट इनिशियल प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान वाज द रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, मुहाजरीन का मसला। अब देखिए जी, जब पाकिस्तान तकसीम हो रहा था तो उस वक्त हिंदुस्तान जब तकसीम हो रहा था तो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देर वर 11 प्रोविंसेस इन इंडिया, इन द यूनाइटेड इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देर वर 11 प्रोविंसेस। अच्छा, अमंग दीज 11 प्रोविंसेस देर वर टू प्रोविंसेस वेर मुस्लिम्स एंड हिंदूज वर ऑलमोस्ट इक्वल, our Muslims had narrow majority in that provinces. These provinces were Punjab and Bengal. In Punjab, Muslims were almost 56% and Bengal, Muslims were round about 52%. Mean little bit, they had little bit
majority in both provinces. अच्छा, अब जब मुस्लिम लीग थी, इसने ये डिमांड किया कि भाई ये जो दोनों सूबे हैं ना, दे शुड बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, पूरे के पूरे सूबे पाकिस्तान को दे दिए जाए, बंगाल भी और पंजाब भी. लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो था, हुआ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिसके जिम्मे ये तकसीम वाला काम था और यानी हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर बन के आया, उसने ये मुतालबा मानने से इनकार कर दिया. उसने कहा कि नहीं, देखें 1940 में जो एक्चुअल करारदाद पाकिस्तान है, उसमें तो आपने ये नहीं कहा था कि वो सूबे जिनमें मुसलमान कर आदम को उन्होंने कहा कि आपने उसमें ये करारदाद में ये नहीं कहा कि वो सूबे जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं वो सूबे पाकिस्तान में शामिल किए जाए, बल्कि आपने ये कहा कि those areas where Muslims were in majority, they should be incorporated into a single state and they should be formed a single state or they should be included in Pakistan otherwise. कि यानी वो areas कि जिनमें वो areas जिनमें मुसलमान अक्सरियत में वो हवाले किए जाए, सूबे नहीं कहा है. तो उन्होंने कहा हम इलाके आपके हवाले करेंगे ना, आपने सूबों के बारे में बात नहीं की. दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस बुनियाद पर पाकिस्तान तकसीम हो रहा है कि ये हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, तो उसी बुनियाद पर ये बंगाल और पंजाब भी तकसीम होंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हिंदू और मुसलमान ऑलमोस्ट बराबर बराबर है. तो हम भाई इस तरह करेंगे कि अब इकट्ठे जारी बात जब रह नहीं सकते तो फिर इन सूबों को भी तकसीम किया जाए. दैट वाज द स्टांस ऑफ माउंटबेटन. और उसने कहा जी कि हम इन सूबों को तकसीम करेंगे. किस तरीके से करेंगे कि वेयर मुस्लिम्स आर इन मेजॉरिटी, दोज डिस्ट्रिक्ट्स of provinces, these provinces where Muslims are were in majority, these should be included in Pakistan and the latter will be included in India. So I said that Hindustan ki aur, sorry, Bengal ki aur Punjab ki taqseem hogi, Hindustan aur Pakistan mein taqseem hogi. Ye unhone kaha. अच्छा, अब तकसीम करने के लिए एक अंग्रेज वकील हुज नेम वाज सर सीरियल रेडक्लिफ, ही वाज अपॉइंटेड द इंचार्ज ऑफ बाउंड्री कमीशन एंड ही वाज गिवन द अथॉरिटी टू डिवाइड दीज टू प्रोविंसेस अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, कीपिंग इन माइंड देयर पॉपुलेशन एंड ज्योग्राफी इनटू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने 38 दिन के अंदर अंदर इन दो सूबों को जो है ना वो उन्होंने तकसीम किया. कुछ एरिए पाकिस्तान को दिए जो जिनमें मुसलमान अक्सरियत में थे, और कुछ एरिए हिंदुस्तान को दिए जिनमें हिंदू अक्सरियत में थे. बट मुस्लिम लीग वर नॉट हैप्पी विद द पार्टीशन ऑफ दीज प्रोविंसेस विच वॉज सुपरवाइज बाई सर सीरियल रेडक्लिफ. ठीक है जी. अच्छा, अब उसने दोनों ये सूबे तकसीम किए तो नतीजा ये हुआ कि ये तकसीम जो है ना दोनों सूबों की, ये 17 अगस्त को ही, पाकिस्तान 14 अगस्त को बना, लेकिन सूबों की तकसीम का जो सिलसिला था वो 17 अगस्त को फाइनल हुआ. अच्छा, जब ये तकसीम हुई दोनों सूबे, खासतौर पंजाब में जब तकसीम हो रही थी, तो बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस शुरू हो गए. हिंदू एंड मुस्लिम बिगेन टू केयर each other. Where Muslims were in majority, Hindus were killed, and where Hindus were in majority, Muslims were killed, and even where Sikhs were in majority, the Muslims were also assassinated there. A brutal killing took place. यानी आप अंदाजा लगाएं कि लोगों को मारना शुरू कर दिया गया इस बुनियाद पर कि आप मुसलमान हैं, या इस बुनियाद पर कि आप हिंदू हैं. यानी सबसे ज्यादा आप देखें इस कतलेआम में सिखों ने हिस्सा लिया, सिखों ने बहुत ज्यादा मुसलमानों का कतलेआम किया. और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुसलमानों ने भी ये काम किया है, यानी दोनों तरफ से काम हुआ है. एट्रॉसिटीज, एक्सेस, जुल्म मुसलमानों ने भी किया है, उन्होंने भी किया, अपना हिंदू ने भी किया. अच्छा, अब जब वो एरिए कि जहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज में थे और या अक्सरियत में भी थे लेकिन हिंदुस्तान में शामिल हो गए, तो इन एरिया से मुसलमानों को मारना जब शुरू किया गया तो मुसलमान बेचारे
तन के कपड़ों में उन्होंने पाकिस्तान की जानिब हिजरत शुरू कर दी और बहुत सारे लोग हिजरत करके आए, ठीक है जी, और रास्ते में बहुत सारे लोग मरे भी थे। यानी दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट माइग्रेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 1,35,00,000 लोगों ने हिजरत की, ठीक है जी, या वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान गए तकसीम के वक्त। एक अंदाजे के मुताबिक 65,00,000 लोग जो है वो मौजूदा पाकिस्तान में आए, यानी हर पांचवा बंदा उस वक्त की आबादी के मुताबिक जो है वो माइग्रेटेड था, मुहाजिर था। इसी तरीके से 10,00,000 अफराद का कत्लेआम हुआ। अच्छा, ये लोग जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत करके आए, तो जिनको अपनी मर्जी से आए नहीं थे,